हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अंकिता रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान से बनने वाली और खाने में बहुत ही टेस्टी चने की दाल की पकौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे मसाला वड़े भी बोलते हैं, तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। 1 कप चना दाल, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून धनिया बारीक कटा हुआ, 7 से 8 करी लीव्स कटे हुए, हींग, नमक। सबसे पहले हम चने को 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। मैंने पहले से दाल को धुल के भिगो लिया था। 2 घंटे हो गए हैं, अब हम किसी बड़ी छन्नी से या स्ट्रेनर की सहायता से पानी को अलग कर लेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब उड़द दाल भी डाला था, ये ऑप्शनल है। दाल भीगने के बाद लगभग 1.5 गुना हो जाती है। अब हम 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे, जिससे कि इसमें से एक्स्ट्रा वाटर अलग हो जाए, दाल हमारा थोड़ी ड्राई हो जाए। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। इसका हमें महीन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। हमें दाल को ग्राइंड करते वक्त बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है। ये देखिए, हमने इसे दरदरा पीस लिया है, हमें इस तरीके से पीसना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, कटा हुआ करी लीव्स, धनिया पत्ता, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटा हुआ प्याज, 2 पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसका पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इस तरीके से एक बॉल लेके इसे गोल गोल कर लेंगे, फिर इसे हथेली के पे रख के इसे इस तरीके से गोल शेप दे दे देंगे। आप इसे बनाते वक्त हाथ में पानी लगा लें तो इससे आसानी से बन जाएगा, ये आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। साइड में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, ये इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। मसाला वड़े तलने के लिए तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम ये मसाला वड़े डाल देंगे। हमें इसको ओवर क्राउड नहीं करना है, जिससे कि हम इसे अच्छी तरीके से दोनों साइड से पका सकें। हम इस तरीके से गोल करके फिर इसे ऐसे चपटा कर देंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे। आप हाथ में पानी लगाते हुए इसे बनाए तो ये आसानी से बन जाएगा। हमें इसे दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसे तलने के लिए फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे और इसे पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। यह हमारा मसाला वड़े अच्छी तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी मसाला वड़े ही हम तल लेंगे। ये हमने सारे मसाला वड़े ही बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, ये कितना क्रंची है, अंदर से भी कितना अच्छा है। इसे आप कोकोनट चटनी के साथ, पीनट चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व करिए, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने तो देखा ही इसे बनाना कितना आसान है, कितना झटपट बन के ये रेडी हो जाता है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपके चना दाल पकौड़े कैसे बने। और इसकी रेसिपी अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।